आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7 क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और सीखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को फर्स्ट ही करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जैसा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy वाई बटे dx, तो d ओवर dx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो निकालेंगे इनका डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x और 3x का 3 और 2 का 0, यानी 2x प्लस 3 हमारे पास आ गया। तो सेकंड ऑर्डर निकालना है, मतलब एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन एक बार फिर। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते कैसे हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से लिखेंगे। तो एक बार फिर इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x का 2 और 3 का 0। तो दिस इज द आंसर। तो कितना आसान है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू 20, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 20x रेज टू पावर 19। तो पावर कम हो जाएगी एक, कौन सा फॉर्मूला लग गया यहां पर, d ओवर dx x रेज टू पावर n, n रेज टू n माइनस 1। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन एक बार फिर। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो 20 तो वैसे का वैसे 19 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर 18, x रेज टू पावर 18, तो 19 टू 38, 380 x रेज टू पावर 18। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू x cos x, यहां टू फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या बन जाएगा, x है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 1, तो हमारे पास क्या बच गया माइनस x sin x प्लस cos x, तो ये हो गया dy ओवर dx। तो एक बार फिर सेकंड ऑर्डर के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन एक बार फिर, तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस हम बाहर रख लें, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस, अब इसका डेरिवेटिव cos x का कितना आ जाएगा माइनस sin x, कितना आ गया माइनस sin x। तो इसको कंपाइल कर लेंगे, डी स्क्वेयर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां माइनस साइन एक्स कितना माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस है माइनस हो गया तो प्लस साइन एक्स, और ये बाहर माइनस था तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां माइनस आएगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स, दिस इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डीवाई बटा डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 ओवर x, तो अगेन एक बार फिर
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, एक बार फिर तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो डी ओवर डी एक्स, वन ओवर एक्स को हम क्या लिख दें, एक्स रेज टू पावर माइनस वन, तो फॉर्मूला माइनस वन आगे आ जाएगा, माइनस वन एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस टू, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर, माइनस टू है नीचे आकर के प्लस टू हो गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, तो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डबल फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो आराम से करते रहे, एक्स क्यूब इसका कितना हो गया वन ओवर एक्स लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स इसका कितना हो गया थ्री एक्स स्क्वेयर, तो एक बार फिर करना है हमें इसका डेरिवेटिव, तो कट गया, क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स, तो एक बार फिर करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा थ्री वैसे का वैसे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये ऐसे चलेगा, टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वैसे का वैसे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना आ गया टू एक्स, तो आगे देखिए एक्स से एक्स कट गया, तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ये थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थ्री टू द सिक्स एक्स इंटू लॉग एक्स, अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखें तो थ्री प्लस टू फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स लॉग एक्स, दिस इज द, आइए देखते हैं सिक्स सम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है, तो लेट वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स साइन फाइव एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, टू फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ई रेज टू पावर एक्स साइन फाइव एक्स का क्या बन जाएगा कॉस फाइव एक्स, और फाइव एक्स का डेरिवेटिव दोबारा से फिर निकालेंगे, प्लस साइन फाइव एक्स और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, तो यहां पर हम ई एक्स कॉमन ले लें, क्या बच गया अंदर फाइव एक्स का डेरिवेटिव फाइव, तो फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन, अब फर्स्ट ऑर्डर का तो निकल गया, सेकेंड ऑर्डर के लिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, एक बार फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा क्या ले लेंगे सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है ई एक्स ही है, तो आराम से निकालते रहेंगे डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ई एक्स वैसे का वैसे, अंदर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फाइव कॉस फाइव एक्स का माइनस साइन फाइव एक्स, और फाइव एक्स का डेरिवेटिव दोबारा से फिर निकालेंगे, अब कॉस साइन फाइव एक्स का कॉस फाइव एक्स, कॉस फाइव एक्स और फाइव एक्स का डेरिवेटिव दोबारा से फिर निकाल लेंगे, प्लस जो सेकेंड फंक्शन है फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, वैसे का वैसे ई एक्स का डेरिवेटिव क्या रह जाएगा ई एक्स, तो ई एक्स यहां भी है यहां भी है, ई एक्स हमने ले लिया क्या कॉमन,
तो 5x का डेरिवेटिव कितना हो गया 5, एक 5 ये, 5 5 द 25 और माइनस का साइन, साइन 5x प्लस यहां भी 5 डेरिवेटिव, तो 5 cos 5x ex हमने कॉमन ले लिया प्लस 5 cos 5x, यहां पर 5x है प्लस साइन 5x, ex वैसे का वैसे 5 cos 5x और 5 cos 5x कितना हो गया cos 10 cos 5x, ये माइनस का 25 है प्लस का 1 है तो कितना हो गया माइनस 24, तो माइनस 24 साइन 5x, दिस इज द आंसर। उम्मीद है आज के जो 6 सम हमने निकाले हैं आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं और समझ लिए हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।